तो वहीं 19 दिनों में दूसरी बार एमपी के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री आज शाम करीब 5 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। पीएम मोदी सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना समारोह में शामिल होंगे और कार्यक्रम में राज्यपाल गंगूबाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। करीब 2 घंटे तक सिंधिया के किले में रुकेंगे पीएम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। स्कूल परिसर में स्टूडेंट्स के नवाचारों की प्रदर्शनी भी देखेंगे पीएम और अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां चाक चौबंद है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा है। तो आज का दिन बेहद खासतौर पर सिंधिया स्कूल के लिए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है उन्हें सम्मानित किया जाएगा देश के प्रधानमंत्री द्वारा। जाहिर सी बात है उनमें उत्साह उमंग साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा और ग्वालियर के लिए भी अपने आप में बेहद खास है आज का दिन। देखिए पीएम का दौरा है जिसमें राज्यपाल सीएम भी मौजूद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास करेंगे, स्कूल परिसर में छात्रों के नवाचारों की प्रदर्शनी देखेंगे, क्या क्या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स क्या नवाचार किया है। शाम 4 बजे दिल्ली से ग्वालियर पहुंचेंगे पीएम और 4:55 पर हेलीकॉप्टर से सिंधिया स्कूल पहुंचेंगे और शाम 5 से लेकर 6:30 बजे तक स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। सिंधिया स्कूल का 125वां स्थापना दिवस ये कार्यक्रम है और आपको बता दें कि इस स्कूल ने ऐसे बहुत सारे वीवीआईपीज को गढ़ा है जो देश के निर्माण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।